गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू योर क्लास। बेटा आज रिवीजन है आपका चैप्टर 8 का। कल हमने आपको चैप्टर 8 लर्न करने के लिए दिया था, आज हम उसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर का रिवीजन करेंगे। ओके, तो बेटा आप सबको अपनी क्लासवर्क कॉपी में रिवीजन करना है, ना रफ कॉपी में और ना ही बुक में। ओके बेटा, आज आपका चैप्टर 8 का रिवीजन है, तो सबसे पहले क्लासवर्क, डेट, रिवीजन वर्क, चैप्टर नंबर और चैप्टर नेम। चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नेम है जब मैंने माफ़ी मांगी। ओके, तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, गांधी जी ने क्या निश्चय किया था। क्वेश्चन नंबर 1, गांधी जी ने क्या निश्चय किया था। गांधी जी ने क्या निश्चय किया था, क्वेश्चन नंबर 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है, गांधी जी ने क्या निश्चय किया था। क्वेश्चन नंबर टू, गांधी जी को पिताजी के सामने कुछ कहने का साहस क्यों नहीं हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 2 है, गांधी जी को पिताजी के सामने गांधी जी को पिताजी के सामने कुछ कहने का साहस क्यों नहीं हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 2, गांधी जी को पिताजी के सामने कुछ कहने का साहस क्यों नहीं हो रहा था। क्वेश्चन नंबर थ्री है, गांधी जी ने पत्र में क्या लिखा। क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो बेटा ये आपके 3 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 1, गांधी जी ने क्या निश्चय किया था। क्वेश्चन नंबर 2, गांधी जी को पिताजी के सामने कुछ कहने का साहस क्यों नहीं हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 3, गांधी जी ने पत्र में क्या लिखा। तो ये बेटा आपके 3 क्वेश्चन आंसर हो गए। आपका जो होमवर्क है आपका चैप्टर 8 के ही फिलिंग इन द ब्लैंक्स, जो आपके इस चैप्टर के फिलिंग इन द ब्लैंक्स हैं उनको आपको लर्न करना, यानी रिक्त स्थान याद करना, रिक्त स्थान याद करना। ये जो मैं अभी आपको होमवर्क दी हूँ, इसका हम कल आपका रिवीजन वर्क लेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।